हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। महाराज, हस्तिनापुर तो आपके परिवार में ही गिना जाता है, इसलिए उसे आपको पारिवारिक भावनाओं की सहायता से ही जीतना होगा। अर्थात? अर्थात ये कि सर्वप्रथम आप पितामह भीष्म और महाराज धृतराष्ट्र के पास जाइए और वहां जाकर राजसूय यज्ञ करने की आज्ञा एवं आशीर्वाद मांगिए। अवश्य वो आपको आशीर्वाद देंगे। बस हस्तिनापुर हो गया ना आपके साथ। और मगध राज जरासंध? वो युद्ध प्रिय है और उसे मारना भी सरल नहीं है। भीम, उसने भगवान शिव से अनेक दिव्य शक्तियां ले रखी हैं। अच्छा, और महाराज, उसने अपनी भुजाओं के बल से आर्यावर्त के 86 राजाओं को बंदी बना रखा है। उन सबको उसने एक कंदरे में कैद कर रखा है और जब उनकी संख्या पूरी 100 हो जाएगी तब वो उन सब की बलि चढ़ा देगा। तो इसका अर्थ यह है कि यदि हम अकेले एक जरासंध को परास्त कर लें तो उसके बंदी 86 राजा स्वयं ही हमारे अधीन हो जाएंगे। निश्चय ही, परंतु इंद्रप्रस्थ के पास इतनी बड़ी सेना ही नहीं है कि मगध राज्य पर आक्रमण करके उसे हराया जा सके। तो फिर इसका उपाय क्या है मधुसूदन? उपाय? उपाय तो एक ही है। वो एक वीर है, अगर उसे द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा जाए तो वो कभी इनकार नहीं करेगा, इसलिए मल्ल युद्ध में ही उसे परास्त किया जा सकता है, क्योंकि उसका शरीर 2 टुकड़ों से जुड़कर बना है। मल्ल युद्ध में उसके शरीर के 2 भाग करके अलग अलग फेंक देना होगा, तभी वो मारा जा सकता है। और मेरी दृष्टि में ये कार्य केवल भीम ही कर सकते हैं। तो भीम को जाने की अनुमति है? नहीं महाराज, ये कार्य हम मिलकर करेंगे, इसलिए भीम और अर्जुन दोनों को मेरे साथ जाने की अनुमति दीजिए। आपके साथ रहते इन दोनों की अवश्य ही विजय होगी यदि कुलभूषण। जरासंध आशुतोष भगवान शंकर का मस्तकाभिषेक प्रतिदिन करता है। इस समय भी वो यहीं पर है। तो क्या वो शिव भक्त है मधुसूदन? हाँ, इसलिए तो उसे भगवान शंकर की कृपा से अमोघ अस्त्रों की प्राप्ति हुई है। पर मुझे संदेह है कि वो हमारे द्वंद्व युद्ध के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगा। तुम जरासंध को नहीं जानते भीम, मैं उससे भली भांति परिचित हूँ। उसने आज तक किसी भी योद्धा को ललकारने पर निराश नहीं किया। यदि ऐसा है तो निश्चित ही एक वीर है। वीर ही नहीं, वो एक महादानी भी है। देखते नहीं मंदिर के बाहर याचकों की भीड़? तो क्या वो इन सबको संतुष्ट करेगा? निश्चय ही पार्थ, और हमें भी इन्हीं याचकों की भीड़ में जाकर खड़े हो जाना पड़ेगा। तो चले। जल प्रवाह पावितस्थल गलेव लंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड्ड मड्ड मड्ड मन्निनाद वड्ड मर्वयं चकार चंड तांडवं
शिवः शिवम्। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन् निलिम्प निर्झरि विलोल वीचि वल्लरि विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्जल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। अखर्व सर्व मंगला कला कदंब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम् मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मकांतकं गजांतकांधकांतकं तमंतकांतकं भजे। ओम नमः शिवाय।